मन्नारा चोपड़ा ने की अरुण की तारीफ, बजाया रिंकू को घर में सबसे ज्यादा स्ट्रीट स्मार्टर। वल सलमान खान का शो बिग बॉस सीजन 17 के लाइव फीड में हमें देखने को मिला मन्नारा चोपड़ा सना रईस खान के साथ गार्डन एरिया में बैठकर बातचीत कर रही होती है, जहां पर मन्नारा कहती हुई नजर आती है कि ये चीज उन्हें समझ में आ रही है और उन्होंने नोटिस की है कि इस घर में अरुण सबको सबसे ज्यादा स्ट्रीट स्मार्टर लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अरुण जी इस घर में सबसे ज्यादा सीधे और भोले बंदे हैं। वो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रीट स्मार्टर हैं और वो बहुत ही ज्यादा चालाक है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। वही रिंकू जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रीट स्मार्टर है। वो लोगों के साथ बैठकर मजाक मस्ती करती हैं, दूसरे लोगों के ऊपर जोक्स क्रैक करती हैं और लोगों को ये दिखाने की कोशिश करती हैं वो बहुत ही ज्यादा भोली भाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा शानी है। ये चीज मैंने कई सारे टास्क में देखा और मैं काफी दिन से ये चीज नोटिस कर रही हूँ। वेल, ऐश्वर्या से भी मन्नारा ये कहती हुई नजर आती है कि इस घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे का मजाक बनाते हैं और दूसरों के सामने सिर्फ सीधा बनने की एक्टिंग करते हैं। इस पर ऐश्वर्या मन्नारा से सवाल करती है कि वो किसके बारे में बातचीत कर रही है, जिस पर मन्नारा कहती है कि मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है और मैं नाम क्यों बताऊं, जैसे मैंने ऑब्जर्व की है वैसे तुम्हें भी ऑब्जर्व करना चाहिए। वेल, यहाँ पर मन्नारा ऐश्वर्या को रिंकू के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। मन्नारा कहीं भी रिंकू के नाम का जिक्र नहीं करती, लेकिन बात उन्हीं के बारे में कर रही होती है। वेल, यहाँ पर ऐश्वर्या और सना से ये भी मन्नारा कहती हुई नजर आई कि सना को इस घर में रहना और खानजादी जो है वो मेरी पहले दोस्त थी, लेकिन अगर वो इस घर से बार बार जाने की बात करती है तो वो यहाँ रहना ही डिजर्व ही नहीं करती, लेकिन सना यहाँ रहना ही डिजर्व करती है क्योंकि वो अपने गेम में 100% देने की कोशिश करती है और कभी ये नहीं कहती कि उसे इस घर से जाना है। वेल, आपका मन्नारा की रिंकू के लिए कही इन बातों पर क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।